जो हमारी बर्ग लगती है उसमें गांधी जी आया करते थे एंड ही यूज्ड टू से जो कास्टलेस सोसाइटी बनाना मैं जो सपना देखता हूँ इसको संघ साकार कर सकता है क्योंकि यहाँ सब लोग साथ बैठ के खा रहे थे। जेपी जो संघ को सपोर्ट नहीं करते थे उनको सपोर्ट करा। हिंदूनेस की जो बात करें, सनातन धर्म की बात करें, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस की बात करें, संघ हमेशा वहाँ अपना सपोर्ट किया। समवन फ्रॉम आरएसएस टोल्ड मी वी डू दिस थिंग, वी गो टू एवरी हाउस होल्ड, 10 साल में जो हुआ उसके लिए माफी, अगली 5 साल ना अपनी election as well, I will not take the name, but that candidate was somehow RSS for taken. RSS is not that angry with the BJP at this moment. Yes. पूरा खाप ने डिसाइड कर लिया है उसके लिए वोट नहीं करना, वो आएगा गांव में तो पिटेगा। They somehow sabotaged it. Only Congress can do that. Sabotage such an election. Yeah. 16,000 सभाएं करी थी। एक्चुअली मोर देन 16,000 सबको ये बोल बोल के ओवर कॉन्फिडेंट करवा दिया, बाद में जब इलेक्शन हुआ सारा काम खराब हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अखिल कोठारी के चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज गौरव नहीं है लेकिन शांतनु जी मेरे साथ है। गौरव ट्रैवल कर रहा था इसलिए हमने सोचा कि हरियाणा के इलेक्शन हुए हैं उस पर एक छोटा सा क्लिप तो बनाया जाए, और वो क्लिप भी इस चीज़ का कि जीत तो गए, शौक तो मिल गया, खुशी हो गई। जिनको शौक मिल रहा था उनको शौक मिला, जिनको खुशी होनी थी उनको खुशी हुई, हम जैसे लोग। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखने को मिली जो कल से न्यूज़ में आ रही है, वो ये आ रही है द रोल ऑफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन विनिंग दिस हरियाणा इलेक्शन। मेरे साथ शांतनु जी हैं जो खुद एक स्वयंसेवक है, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आज एक्सप्लेन करने आए हैं हमें रोल ऑफ आरएसएस इन हरियाणा इलेक्शंस। तो पहले आप मोटा मोटी बता दीजिए, फिर हम डिटेल के अंदर घुसेंगे कि संघ एक चुनाव से पहले, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो यूपी में हो, एमपी में हो, भारत में कहीं भी हो, संघ क्या रोल प्ले करता है। और एक चीज़ और काफ़ी समय से सुनने को मिल रही थी कि संघ और भाजपा में थोड़ी नोक झोंक चल रही है, तो आई थिंक इस इलेक्शन के बाद वो भी क्लियर हो गई हो। तो शांतनु जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है, ये बात कहने से पहले पहली 2-4 मिनट में मैं ये समझाना चाहूँगा कि संघ पॉलिटिक्स में क्यों रोल प्ले किया। 1925 में संघ की प्रतिष्ठा हुई, आसपास 100 साल हो गया, तो संघ की शुरुआत से कभी पॉलिटिक्स में जाने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बट जब 1948 में गांधी जी का किलिंग हुआ, किसी ने भी किया, कौन सी आइडियोलॉजी से किया ये बिना जानते हुए संघ के ऊपर दोष डाल दिया गया, बोल दिया गया कि संघ रिस्पॉन्सिबल है। तो और संघ को डिफेंड करने के लिए कोई, क्योंकि उस समय इतना मास मीडिया की प्रचार नहीं था एंड मेनस्ट्रीम मीडिया वाज ऑक्यूपाइड बाय पीपल, एब्सोल्युटली बाय लेफ्ट विंग पीपल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो संघ को लगा कि कोई हमारी हाउस में भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, मीडिया में नहीं है, तो लोगों को ये परसेप्शन, एक न्यूट्रल जनमानस को ये मैसेज चला गया कि संघ ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द किलिंग ऑफ गांधी जी। अच्छा, ओके। गांधी जी संघ को सपोर्ट करते थे नहीं करते थे, देयर इज एम्पिरिकल एविडेंसेस की जो हमारी बर्ग लगती है उसमें गांधी जी आया करते थे एंड ही यूज टू से कि आप जो कास्टलेस सोसाइटी बनाना मैं जो सपना देखता हूँ इसको संघ साकार कर सकता है क्योंकि यहाँ सब लोग साथ बैठ के खा रहे। जी बिल्कुल। बट उनकी किलिंग में दोष मत दिया गया, तो संघ ने यह सोचा कि इफ यू वांट टू रिमेन इन ए पोजीशन जिसमें आप नॉर्मली शाखा चला सकते हो, तो यू नीड पीपल इन पॉलिटिक्स सो दैट दे कुड डिफेंड यू इन द हाउस, यू नीड पीपल इन पावर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, सो शुरू हुआ तब से यात्रा। पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते थे, बाद में उनकी भी चेंजेस हुई, इमरजेंसी के बाद जेपी को सपोर्ट किया, जेपी जो संघ को सपोर्ट नहीं करते थे उनको सपोर्ट करा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अरविंद वाज सपोर्टेड बाय आरएसएस आउट एंड लिखी, ठीक है एक एक मूवमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल नहीं, उस टाइम वो जो अन्ना मूवमेंट था, अन्ना मूवमेंट बड़ा प्योर मूवमेंट, नो इट्स नॉट अबाउट, आई थिंक अरविंद बिकम द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ इट, यस, बट अन्ना मूवमेंट वाज समहाउ सपोर्टेड बाय संघ इन प्रिंसिपल, या
कि ठीक है हम वी कुड सपोर्ट बाय लार्जर पॉपुलेशन इन जनरल अन्ना मूवमेंट वाज वेरी सपोर्ट वेरी पॉपुलर एवरीबॉडी एक्चुअली गेट कनेक्टेड टू द पब्लिक स्पेस ऑफ रिवॉल्यूशन यस थ्रू दैट मूवमेंट यस ट्रू सो वी सी दैट संघ एज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज सपोर्ट द थ्योरीज ऑफ जो कहते हैं पेट्रियोटिज्म की बात जो करता है उसको संघ सपोर्ट करता है एंड इन इलेक्शंस व्हाट हैपन इज कि इलेक्शंस में यही होता है संघ पर्सनली कभी बाहर निकल के सपोर्ट करना संघ कभी नहीं करा आज तक नहीं किया है बट एवरीबडी न्यू कि द कैडर ऑफ संघ विल गो बिहाइंड अ पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनलिज्म की बात करता है जो देश की बात करता है सो इन ऑल द इलेक्शंस अराउंड even before 2014 yeah. after 2014 RSS come to a kind of a front yes the top front mein aage limelight mein limelight mein before that also they used to support political parties who used to say ki theek hai hum nationalism ki baat jo nationalism patriotism matlab ek hindu हिंदूनेस की जो बात करें सनातन धर्म की बात करें हमारे कल्चर ट्रेडिशंस की बात करें संघ हमेशा वहां अपना सपोर्ट किया है और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट किया ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल फोरम्स को सपोर्ट किया बिल्कुल बिल्कुल जो देश की बात देश की बात सो इन एवरी इलेक्शन व्हाट दे डू दे somehow there is a communication between the cadres of संघ that you have to go to the people and tell them go and vote yes That's the only thing the RSS people used to do. They go to everybody's house and say them कि आप 100% voting करिए, go and vote. So they believe when you go there, the other person would ask कि किसको करना है. तो they would say कि हमें इतना नहीं मालूम. हम बात कहते हैं for us the nation is first. Nation first approach है. Whoever put the nation in front of him or put the nation first, उसको जाके आप वोट करिए तो इमिडिएटली उसकी कैडर के साथ उनकी बातचीत होती थी नोकझोंक होती थी दे वुड गो टू लेफ्ट विंग पीपल्स हाउस तुम्हें तो तुम ये क्या ये पहन के आए हो ये तो बोलते ही है संघ में कि हर किसी के घर जाना है हर किसी को जोड़ना है एब्सोल्युटली तो ये होता था इन और जब व्हेन देयर आर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट things are going on like RSS runs in a different manner definitely BJP runs in a very, very different, different manner. So wo jo khistan hota hai wo to hota hi hai it's like there will be disagreements yes, in whole through but there are moreover disagreements that was a time those disagreements actually get into political forum in RSS opposing there are evidences where RSS has opposed candidates special candidates saying nahi nahi ye candidate we don't have a problem with the whole idea of your political but candidate. specific candidate yeah. this candidate has done this and this somehow That's, there is a candidate in even Haryana election as well. I will not take the name, but that candidate was somehow RSS was against him. कि नहीं नहीं आप इसको मत दीजिए. Okay. There was a candidate in Karnataka election. Ravanna, SD Ravanna, grandson of Devegowda. RSS was very very clear कि इसको टिकट मत दीजिए. There is ये before जो before this before whatever happened with so, Ravanna. So there was a man come from Karnataka to BL Santosh's house and say that कि नहीं but टिकट मत दीजिए काट दीजिए. तो बट वो क्या है कि देयर वाज कोलिशन बिटवीन जेडीएस एंड दैट व्हाट हैपेंड पॉलिटिकल फेवर्स एंड ही बट आई थिंक मोर ओवर इट सीम्स लाइक यू नो इफ यू सी इन दिस इलेक्शन इवन इन द लास्ट फेजेस ऑफ द जनरल इलेक्शन आरएसएस इज नॉट दैट एंग्री विद द बीजेपी एट दिस मोमेंट यस No, from the outset it seems like this 240 and all RSS is somehow angry, somehow dissatisfied with what BJP is doing. But I think two big thing BJP government has done in last 10 years, 370 and Ram Mandir. So RSS cannot just whitewash that and say ki nahi nahi aapne to hamare agenda pe kaam hi nahi kiya. Bilkul. So specifically, agar hum Haryana ki last leg of campaigning ki baat kare. और मे बी लेट्स से 3 महीने पहले चलते हैं हम वोटिंग डे से संघ ऐसा क्या करती है कि इलेक्शन पूरा टर्न अराउंड हो जाता है तो मतलब अगेन मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने भी बहुत सारी चीजें करी वेदर इट वाज सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स और जो चाणक्य इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा करना है जो एक चाणक्य नीति या पॉलिटिकल यू नो रियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है दैट इज वन साइड बट जो एक ओवरऑल ग्राउंड वर्क होता है जो एक माहौल बदलना होता है
उसमें संघ का क्या रोल और कैसे रोल रहा है, ऐसा क्या करा है उन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, देयर वाज अ कांस्टेंट फीलिंग फॉर लास्ट 1.5 इयर्स आफ्टर द फार्म प्रोटेस्ट, इट वाज बीजेपी इज एसेंशियली लूजिंग पावर देयर, एंड व्हाई मिस्टर चौटाला द जेजेपी इज इन द कोलिशन स्टिल, देन एवरीबॉडी थॉट ही वुड लूज द ग्रिप, and Hooda cannot take JJP. That was a problem because he was the Jat patriarch in the, he was the head of the family of Jat there. So he cannot take JJP. So there is not going to be a government if the government somehow get dismissed somehow because don't have that much of support. Yeah. You cannot run it because that's JJP, definitely. That's not a majority in kisi ke paas bhi nahi. So the point is, वो एक तरीके से वहाँ पे ऐसा हुआ फॉर 1.5 इयर्स दे ऑलवेज बिलीव्ड इन अ फैक्ट दैट कि ये इलेक्शन तो हम लूज कर रहे हैं. द कैडर बिलीव्ड कि ठीक है लोकसभा के लिए मेहनत कर लेते हैं बिकॉज दे हैव अ चीफ मिनिस्टर हु इज वेरी वेरी अनपॉपुलर. सो नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन बट बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज नॉट डन. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट दे हैव अ अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर, दे हैव अ वेरी अनपॉपुलर कैबिनेट. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर लूजिंग इलेक्शंस इज एग्जांपल, इवन द फर्स्ट वन एज वेल, फ्रॉम 14 टू 19 एज वेल द कैबिनेट वाज वेरी अनपॉपुलर. एंड आरएसएस पर से हैज नॉट प्लेड अ वेरी गुड रोल इन 2014. दैट इलेक्शन वाज बीजेपी एंड बीजेपी. हां, वो फेस ऑफ मोदी का जो भी था उस टाइम. एंड हुड्डा हैज हिज एंटी इनकमबेंसी, ही वाज देयर फॉर 10 इयर्स, सो करप्शन एलिगेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. But this time around, what happened is, when they get to this point, I will give a very small example of what has happened. जब कोविड की सेकेंड वेव आया, नहीं, आई थिंक दिस इज थर्ड वेव, दिसंबर के आसपास के टाइम पे, देर वॉज ए बर्ग गोइंग ऑन इन दिल्ली. इन दिल्ली, दिल्ली एंड एवरीवेयर. वो प्रथम वर्ष होता है जो 21 दिन की बर्ग होता है. तो दिल्ली में चल रहा था, हरियाणा में चल रहा था. दिल्ली में क्या हुआ कि जब कोविड की केसेस आने लगे, देयर वाज अ स्टेज 3 रेगुलेशंस लग गई, सो दे हैव टू क्लोज इट हियर. अच्छा, बट इट डिडंट हैपन इन हरियाणा. अच्छा, हरियाणा में दे कीप कंटिन्यू बिकॉज एक्चुअली उन्होंने कर्फ्यू लगाई भी 3 डिस्ट्रिक्ट में, वो 2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाई जिसको ये बॉर्डरिंग कर रहा था. दैट वाज द आइसोलेटेड प्लेस जहां बर्ग लगता है. ओके, सो इन द टॉप ब्रास देयर वाज अ कनेक्ट थिंग कि बहुत अच्छी बात है, व्हेन यू हैव अ गवर्नमेंट you actually can manage these things better. So there was a soft corner in the hearts of a lot of people that this government was unpopular, but it was very supportive of the cause of Hindu. So when the whole dereliction duties goes to the ki kaun banega chief minister, ab Hooda sahab banenge ki unka beta banega ki Shailaja banegi ki kaun banegi, to RSS does one thing. They knew the government was very very unpopular. Everyone was essentially, they changed the chief minister 6 months ago and they can now tell it in television, this is a master stroke. Ye to baki master stroke raha. But the idea was, because he was unpopular, change the face, and you cannot fight this election in the name of Modi because we have ruled for 10 years. Yes. So what did someone from RSS told me, we did this thing. We go to every household, we told our cadet to go to every household, say ki 10 साल में जो हुआ उसके लिए माफ कर देना, एंड अगली 5 साल ना अपनी सरकार होगी. अच्छा, ठीक है, मतलब ठीक है. देयर ओन लैंग्वेज दे सेड कि दिस टाइम अराउंड हमारी एजेंडा चलेगी एंड आपकी जो छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम्स हैं वी विल नाउ ट्राई टू सॉल्व इट. एंड दे कम्युनिकेशन मतलब बहुत स्ट्रांग रही संघ की तरफ. नो, इट स्टार्टेड 3 months ago. एंड इन द लास्ट फेज व्हाट हैपेंड, there was overconfidence in the Congress party and everybody knew why the overconfidence was. They knew they are winning this election. When you know you are winning the election, what happened, the overconfidence creeping. Yes. Your cadre does it, ghar baith jata hai, usko lagta hai. Kaam nahi karta. Actually, the same thing happened in general election. With BJP. Exactly. exactly same thing happened. So, they get, you know, theek hai, jeet hi rahe hain. Ek do seat idhar udhar ho jayega to kya farak padta hai. 70 aa raha tha, 60 aa jayega. But because RSS was very, very contemplative in the way that everybody's concern was carried to the top brass head ki nahi nahi wahan pe na us area mein rasta toota tha, they go to the local MLA said ki ab nahi ho sakta. Achha. To that feedback go to the ki kisi ko bhi ticket dena usko nahi dena.
कि मेक श्योर, क्योंकि वो पॉपुलर है, उसको बोलो कि कोई म्युनिसिपल के चेयरमैन बना देंगे, देख लेंगे कुछ कर देंगे, बट टिकट नहीं दे, टिकट नहीं देंगे, क्योंकि ग्राउंड में, गांव में ना पूरा खाप ने डिसाइड कर लिया है उसके लिए वोट नहीं करना, वो आएगा गांव में तो पिटेगा, तुम प्रचार ही नहीं करोगे तो क्या इलेक्शन जीतोगे। दैट वाज द होल आइडिया एंड होल थिंग। एंड ये एक गलती थी जो बीजेपी ने अपनी करेक्ट करी, वो कांग्रेस ने उसका ही उल्टा करा। मैंने सुना बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनको नहीं देनी चाहिए थी, आम आदमी पार्टी कह रही थी हमें 5 सीट दे दो हमारा वोट कंसोलिडेट यहाँ पे हो जाएगा, वो कांग्रेस ने उसका उल्टा ही करा, वो अपनी ईगो पे आ गए, लेकिन बीजेपी ने लर्निंग फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स दे करेक्टेड देमसेल्फ। यस, एंड बिकॉज देयर वाज अ कनेक्ट बिटवीन पीपल विद सम काइंड ऑफ लीडरशिप इन बीजेपी, द कैंडिडेट सिलेक्शन वाज प्रीटी मच नॉट वेरी गुड, बट इट वाज मोर देन गुड, मोर देन एवरेज, एंड दैट हेल्प्ड देम to fight the anti-incumbency. There was an anti-incumbency, there was a, actually there was a, 2 months before the election, there was a wave for Congress. There was no doubt about it. Yeah, yeah. They are winning that election. There was no doubt about it. Yeah, bilkul. And they somehow sabotaged it. Only Congress can do that. Sabotage such an election. Yeah. It's a very clear election. You go and Savitri Jindal decided to fight the election 15 days before the polls, and she could win. Yeah. And Hudda and his family decided to fight this election for 4 years now. वो G23 छोड़ के आया था और बोला था पूरा कैंपेन मैनेज करना है, वो भी मैनेज नहीं हुई. बिल्कुल. और कमाल है कुछ लीडर्स जैसे दिग्विजय चौटाला तो फिफ्थ आए, जमानत जब्त हो गई उनकी, डिप्टी सीएम की जमानत जब्त हो, क्योंकि एक्चुअली उसकी तो साफ प्रॉब्लम ये है वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके इलेक्शन जीता, बिल्कुल, एंड देन वेंट इन विद बीजेपी, बिल्कुल, एंड ही ट्राइड हिज, वो क्या है ना, अच्छा काम करने की कोशिश करा है, ही हैज डन सम गुड वर्क फॉर हिज ओन पीपल, बट क्या है कि एक बार बन जाता है ना, हाँ, जाट की वो टेम्परामेंट ऐसा होता है, वंस दे डिसाइडेड कि इसको ओवरथ्रो करना है तो ओवरथ्रो करना है। ऐसा भी मैंने सुना कि संघ ने इलेक्शन से पहले, हर जगह ये नंबर आ रहा है, वारणों कितना सही है, 16,000 सभाएं करी थी, एक्चुअली मोर देन 16,000, मोर देन 16,000, तो एक सभा में आप फॉर द ऑडियंस आप एक्सप्लेन करो क्या करती है संघ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब इनके सभा होता है दे डोंट डू इट एज ए पब्लिक मीटिंग। अच्छा। दे व्हाट दे डू, दे विल टेक 5-6 पीपल और मैक्सिमम 10-12 पीपल, दे सिट टुगेदर एट ए प्लेस, जैसे चाय पे बैठ गए, दे विल टॉक डिस्कस पॉलिटिक्स। तो वो क्या है ना, जब आपकी भी अपनी भी वोटर है उसके मन में गुस्सा है कि आपने पिछली बार ना जो हमारे गांव का था जो बहुत काम करता था उसको टिकट दी थी, बट उसका किसी ने सुनवाई नहीं करी पिछले 10 साल से, अब इसकी सुनवाई हुई, वो आया बोला बताओ आप तो कास्टिस्ट हो, वो इस जात का था इसलिए आपने वोट काट टिकट काटा, ये उसकी सुन लिया, तो वो लास्ट में कहता है कुछ भी हो जाए वोट तो उसी को देंगे। हाँ, so, सही बात है, यही बात है, बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल इन नेचर, तो 16,000 की फिगर किसी मीडिया वाले को किसी ने बता दी होगी, मस्ट बी मोर देन दैट, मस्ट बी मोर देन दैट, that is amazing, very small things, some people do it, don't report it to the RSS in a numerical way, so but exact reporting nahi ho sakti, it's actually Haryana is far too bigger state than Delhi, Delhi. So Delhi mein in 24,000 ke aas pass meetings kari thi us time pe, general election ke time pe, acha, so the number must be more than what they are reporting in new channels. Delhi general election abhi matlab aap 2024 ki baat kar rahe ho, acha usme bhi Delhi mein itni 24,000 thi, yes yes, in aap dekho slums mein RSS ne the last push actually they did what it in jao, the slums, ha jao baat karo, just jaake baat karo, unko mat bolo ki kisko vote karna hai, acha, aur maine ye bhi suna tha, I don't know if this is the right platform to say it, but बहुत से इनफैक्ट बीजेपी के जो लीडर्स होते हैं किसी भी पार्टी के, बट स्पेसिफिकली हम बात करें, ऐसा होता है कि कभी वो बस्तियों में नहीं जाते जी खुद, लेकिन संघ उनके लिए पहुंच जाता है वहां पे, ऐसा भी होता है। नहीं, ये तो देखो क्या होता है, बिकॉज RSS does work in a different way, but it's not always for a political reason that RSS is reaching in a basti. Yes, they reach there even जब politics का season नहीं चल रहा होता, तब भी संघ आपको बस्ती के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ काम करते हुए मिलेगा, कुछ नहीं तो लोगों से मिलते हुए मिलेगा, चार लोग उनके होंगे, बहुत सारे बस्ती में थोड़ी होल्ड कम है, तो उस होल्ड वहां पे जाके नॉर्मली बैठना, बातें करना लोगों के साथ, ये चलती रहती है। तो मतलब आज भी ऐसा हम कह सकते हैं ये ऑपरेशन या ये मोडस ऑपरेंडी देख के संघ का, कि आज भी जो ग्राउंड लेवल पे जाके एक इंटरपर्सनल तरीका है
एक कैंपेन एक मैनेज करने का या काम करने का, कोई भी सोशल मीडिया या आपके फॉलोइंग या आपके कास्ट या कलर कुछ उस इंटरपर्सनल मीटिंग और कैंपेनिंग को मैच नहीं कर सकता आज भी? नहीं, एक्चुअली क्या है, ठीक है आप सोशल मीडिया में कोई भी कैंपेन चला लीजिए, बट इट वुड रीच टू अ लेवल कि जहाँ पे ठीक है आपकी फॉलोइंग है यहाँ पे पहुँच गए, बट जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहता है, व्हेन यू हैव पर्सन टू पर्सन मार्किंग ऑन द पीपल, यस इट हेल्प्स टू इलेक्शंस हो, आप एक सोशल कॉज के लिए कोई काम करना चाहते हो, इट हेल्प्स. बिल्कुल. एंड इलेक्शन इज अ स्मॉल थिंग इन आरएसएस स्कीम ऑफ थिंग. Yeah, it's a very small, very thing. Small, very small thing. You know that because yes. In a longer run, they want to change the society to a Hindu way of living. Yes, and for that, you need to go to people's house. And yes. as you correctly said, ki caste matter nahi karta. Which educational background doesn't matter. Nothing matters. Nothing matters. Nothing matters. And when an organization does that, I think it doesn't matter. Anybody has a political leaning towards right or left or somehow a umbrella kind of a belief system. But I believe when a organization have this outlook to change the society, political parties... You break political barriers. Barriers. You go beyond any political party. Yeah. There was a good book on... it's not a book on the RSS. It was a book on Advaniji and Atalji by... forgot the name, Jugalbandi karke. Achha. The professor from Ashoka University wrote it. Hmm. He was not a right-winger, but he wrote in his book. Ki, Ashoka se to right-wing hoenge. he wrote in his book. I think he wrote a book on P.V. Narasimha Rao as well. Achha. Very good writer as well, fluid writer. So he wrote in his book, I meet a few RSS pracharaks, then I try to meet their family members. Hmm. And then I met some Congress people for P.V. Narasimha Rao's book and meet his family members or her family member. What I see is, RSS ka pracharak ka jo bhai hai, wo aaj bhi kahin chote kasbe mein rehta hai. Bilkul. He's trying to build some business and something. But maine jab Congress ke leader ki jaake dekha, families they have very affluent. Yeah. Their practices, even koi unhone Bhagwat ji ki baat kari, to unke ghar pe gaye, to unki bhai hai. And he is now practicing lawyer. तो एक छोटे जगह पे उन्हें practice करने की कोशिश कर रहे हैं, try to sustain through that. बिल्कुल. But you go to Mani Shankar Iyer's family house. You would go to any of the big political leaders. So that is actually the difference, the differentiation. Differentiation. Even that's why even left wing people. I think I don't know. I heard someone saying I think podcast or something saying ki Yogendra Yadav and Jairam Ramesh is actually the agents of RSS. I think forget the name. Parcha karke koi lawyer hai na? Ha. He must have went to show and say ki nahi nahi Yogendra Yadav sabko ye bol bol ke overconfident karwa diye. Baad mein jab election hua, sara kaam kharab ho gaya. हाँ नहीं सही बात है. इनफैक्ट अभी जो आपने उसकी बात बोली ना, समवन टोल्ड मी, किसी लीडर का नाम लेके कहा था, ही वॉज नॉट फ्रॉम बीजेपी, सम अदर पार्टी, बट कोई उनकी तारीफ कर रहा था और ये बोला था कि किसी ने उनको कहा कि ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये गली गली को जानता है. यस yes. तो उसको करेक्ट करा किसी ने, कहते साहब ये गली गली को नहीं, ये गली के अंदर घर घर में रहने वाले को जानता है. और उस चीज को एट अ मैनेजमेंट लेवल, एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एट अ रीच आउट लेवल, यू कैन नेवर बीट. नो यू कैन. यू कैन स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू विन एन इलेक्शन, बट जिसके पास ये पावर है कि वो एक बड़ी कॉलोनी के भी और एक छोटी कॉलोनी के भी एक एक घर में रहने वाले को जानता है. आप उसको कभी इलेक्शन में नहीं हरा सकते. यू कैंट. हाँ तो वेव होगा तो शायद यू कुड वेव. देखिए अब अगर वेव है वैसा कुछ है तो अलग बात है, बट इन अ जनरल स्केल इवन आफ्टर द वेव एज वेल दे लॉस्ट टू इलेक्शंस कंटिन्यूअसली इन वेस्ट बंगाल. या दे यू विल सी फाइंड अ कार्यकर्ता गोइंग टू एवरीवन्स हाउस टू से कि ये जो दशहरा है ना उस दिन ये प्रोग्राम रहेगा, यू शुड कम. बिल्कुल. BJP would leave the hands of their karyakarta sometime because they believe that it is not politically in a right situation. But Sangh will never. Sangh would never. So that helps. मैं एक छोटा सा example भी देना चाहूँगा. Yeah.
मैंने जो एज अ पर्सनल चीज संघ में नोटिस करी वो ये करी कि आप संघ से कितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो, या जो एक स्वयं सेवक है वो आपको कभी दूर जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, वो अपनी जान लगा देगा, चाहे आप उससे एक दिन पहले मिले हो और आपका कोई रिलेशन नहीं है उसके कुछ साथ, भी नहीं, बट वो सिखाया संघ में ऐसा जाता है कि किसी को दूर मत जाने दो, एक बार वो आ गया तो उसका अपना भाई बंधु बना के, यस, यू नो दिस इज अगेन, ये सारी चीजें ही जो वेव कहते हैं पॉलिटिकल वेव जो आई लास्ट लेग ऑफ इलेक्शन में, इन्हीं चीजों ने, इन्हीं चीजों ने डोमिनेंटली इन्हीं चीजों से हेल्प करा। और मैंने तो कल जलेबियां खाई थी, मुझे आप सबका नहीं पता। चलिए, होप कुछ और आपको अगर कहना हो इसके बारे में, अदरवाइज आई होप लोगों को समझ आ गया हो कि संघ काम क्या करती है जिसकी वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, दस आपने बहुत अच्छी तरीके से साम किया चीज़ों को, कंक्लूड किया, यही है, व्हेन यू हैव पीपल टू पीपल कनेक्ट इट हेल्प्स इन इलेक्शन, इट हेल्प्स इन मेकिंग सोसाइटी अ बेटर प्लेस। यस, चलिए, थैंक यू सो मच।